मैं तो रस्ते से जा रहा था, ओ मैं तो चिकन शिकन खा रहा था, लेकिन इतने में मुझे एक शीप मिली और वो बोली, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। तो शीप की दुआ को मैंने किया कबूल और अल्लाह बीबी क्या तुम खाओगे बबूल। आइडिया आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ तुम लोग एक अपना सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हो MCPE के अंदर एंड उसमें बिना किसी लैग के कैसे खेल सकते हो। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए तुम लोग को किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है एंड वहां पे सर्च करना है Eternus एंड स्पेलिंग तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, गलत मत लिख देना, पता लगे किसी और साइट पे पहुंच जाओ। एंड उसके बाद जो टॉप पे साइट आ रही है उस पर तुम लोग को क्लिक कर लेना है एंड देन तुम लोग इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। कुछ इस तरह का ये पेज है एंड तुम लोग को यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन तुम लोग को यहाँ पे साइन इन या साइन अप कर लेना है। अगर तुम्हारे पास पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर लो, अगर पहले से होता तो ये वीडियो क्यों देखते, बात तो सही है। तो इसलिए साइन इन वाले पे क्लिक कर लेना एंड तुमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको फिल करने के बाद तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा एंड साइन इन करते ही तुम लोग को यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्वर का ऊपर ही ऑप्शन दिख जाता है, तो इसी पे तुम लोग को क्लिक कर लेना एंड देन इस एड को स्किप कर देना एंड यहाँ पे तुम लोग को इसको बेडरॉक एडिशन पे सेट कर देना एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तुम लोग चाहो तो अपने सर्वर का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो एंड उसके बाद बस तुम लोग को क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड तुम्हारा सर्वर बन जाएगा। एंड उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तुम लोग जो चीज चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा माइनक्राफ्ट वर्जन तुम लोग चेंज कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये सर्वर 24/7 ऑनलाइन तो नहीं रहने वाला है, ये गड़बड़ है बाबा। एंड सर्वर को ऑन करने के बाद अगर 6 मिनट तक कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करेगा तो वो अपने आप ऑफलाइन चला जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सलूशन है जो कि मैंने अपने आइंस्टाइन वाले ब्रेन का यूज करके निकाला है। तो तुम लोग को इन 3 लाइंस पे क्लिक करना और नीचे एक्सेस वाले पे आना है और यहाँ पे अपने दोस्त का Eternus यूजर नेम भर देना है एंड इससे क्या होगा, अब तुम्हारा दोस्त भी सर्वर को ऑनलाइन कर सकता है एंड तुम्हारे जितने भी दोस्त है सबके नाम ऐड कर दो एंड वो सारे जब चाहे तब उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। बाकी तुम लोग यहाँ पे ऑप्शन वाले में जाके अपना गेम मोड, नंबर ऑफ प्लेयर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट के अंदर, तो तुम लोग को बस सर्वर वाले में आना है, ऐड सर्वर पे क्लिक करना है और जो नाम रखना चाहो रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टट्टी लिख दिया है क्योंकि मेरा सर्वर तो टट्टी है। एंड देन तुमको सर्वर और पोर्ट डालना है जो कि तुम लोग को उसी साइट पे दिख जाएगा एंड देख सकते हो भाई मैं तो अपने सर्वर के अंदर आ भी गया हूँ एंड देन मुझे खेलने में इतना मजा आने लगा कि मैं वीडियो का भूल गया और अपना सर्वाइवल गेम प्ले करने लगा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ एंड मुझे इतना मजा आने लगा कि मैंने अपना डर्ट का स्टार्टर हाउस भी बना दिया। तुम लोग पूछोगे डर्ट कहाँ है, तो भाई देख सकते हो यहाँ पे डर्ट है, पीछे भी डर्ट है। तो यही होता है जब प्रो बंदे डर्ट का हाउस बनाते हैं। अगर अंदर आओगे तो तुम लोग को लगेगा शुरू होते ही खत्म हो गया। आइडिया गाइस, मैंने तुम लोग को बता दिया सर्वर कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अच्छे से यूज करते हैं। बाकी अब मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोग अपने रिश्तेदार के साथ खेलो या दोस्त के साथ, मैं तो बस यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो बाकी वीडियोस को भी चेक कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हां, तब तक के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो।